आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो बताइए। जैसा जैसे आपने कहा कि जो कोर्ट नाम पर अलॉटमेंट हुआ है वो आपके ही में नहीं हुआ, इसका मतलब जब ये विभाग मोहन सिंह के पास था तब अलॉटमेंट किए। मैंने आपसे कहा यूपीए वन के रिजीम में सारे कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन हुआ और आखिर में यूपीए वन के कार्यकाल में ही सारी राज्य सरकारों को इस बात के लिए तैयार कर लिया गया कि भाई मेरे सारा का सारा रेवेन्यू आपको दे दिया जाएगा, आप लोग इस व्यवस्था को स्वीकार करो, इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट व्यवस्था और कोई नहीं हो सकती। प्रश्न है कि यूपीए वन किसके पास है? सर आपने कहा कि आपका मनोज जायसवाल से कोई कार्यकारी पूछना नहीं है, कोई मैंने ये बात नहीं कही, मैंने कहा है एक नहीं 10 बार कहा है कि देश का सारा जायसवाल हमारा रिश्तेदार है। मैंने ये बात कही है कि हमें ये बताया जाए कि क्या एक भी कोल ब्लॉक हमारे जमाने में एलोकेट हुआ है, अगर हुआ ही नहीं है तो मनोज जायसवाल को कैसे हो जाएगा। मैंने दूसरी बात कही है कि उसके पहले मैं एमओएस होम था, क्या कोई प्रमाण किसी के पास है कि मैंने किसी के पक्ष में पत्र जारी किया हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी की मदद की हो, एक उसी की नहीं किसी की भी, तो फिर हमारे ऊपर ये क्वेश्चन दागने की कोशिश क्यों की जाती है? बीजेपी का और आरोप है, जितने आरोप सब बीजेपी के ही आरोपों का जवाब मैंने दिया है। कोई साक्ष, कोई दस्तखत, कोई हस्ताक्षर क्या आपके पास उपलब्ध है? अगर हो तो हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। जायसवाल जी, आप बीजेपी के आरोपों को खारिज कर रहे हैं, सीजी की रिपोर्ट के आरोपों को खारिज कर रहे हैं? बीजेपी के जो आरोप लग रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सीएजी ने जो कुछ किया है, जो आंकलन किया है, एक बार नहीं मैं 10 बार कह चुका हूँ, जिस आधार पर आंकलन हुआ है, कंपेरेटिव आधार पर, कोल इंडिया से कंपेरिजन करके जो ये सीएजी ने जो आधार बनाया है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोल ब्लॉक्स का, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, हर एक ब्लॉक की अलग अलग सीम होती है, किसी कोल ब्लॉक में 100 मीटर पर कोयला होता है, किसी कोल ब्लॉक में 500 मीटर पर कोयला होता है, कैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कोल इंडिया से? मेरा केवल सीएजी के ऊपर यही आरोप था कि आपने जो कंपेरेटिव जो स्टेटमेंट बनाया है ये गलत है। सीएजी का आरोप लगाना उचित है? क्यों नहीं, संवैधानिक संस्था वो भी है, संवैधानिक संस्था प्रधानमंत्री भी है, क्या दिक्कत है? सीएजी, अगर सीएजी से हमें कोई शिकायत है तो हम क्यों नहीं शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सीएजी से कोई अगर शिकायत हमको है, ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है कि भारत के राष्ट्रपति से अगर शिकायत है तो राष्ट्रपति से भी शिकायत कर सकता है, प्रधानमंत्री से अगर शिकायत है तो प्रधानमंत्री से कर सकता है, किसी दूसरी संस्था से शिकायत है तो दूसरी संस्था से कर सकता है। लोग बड़े उससे कहते हैं सीएजी संवैधानिक संस्था है, क्या प्रधानमंत्री संवैधानिक संस्था नहीं है? तो जब उन पर आरोप लगाया जा सकता है, उनसे शिकायत की जा सकती है, तो सीएजी क्यों नहीं की जा सकती?